दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़। जवानों को भारी पड़ता देख 3 IED ब्लास्ट कर भागे नक्सली। इलाके में चल रही है सर्चिंग। बलरामपुर में दंपत्ति की हत्या। बाइक पर घर जा रहे पति पत्नी को पत्थर से कुचलकर मार डाला। बेटी की ससुराल से वापस आते समय हुआ यह हादसा। पस्ता क्षेत्र के ग्राम पंचायत उलिया के जंगल में मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े हुआ यह हादसा। दोपहर बाद लोगों ने शवों को देखा तो पुलिस को दी सूचना। मार्ग को पुलिस ने किया बंद। कोरोना ने मिटा दिया परिवार। 10 दिन पहले घर के मुखिया की मौत, 5 दिन के बाद बेटों और 9 दिन के बाद पत्नी ने दम तोड़ा। घर में बचे बहू और बच्चे, वो भी है संक्रमित। जुर्माने से बचने बहानों, कोरोना मास्क न लगाने वालों को काटा चालान। किसी ने कहा सांस की है बीमारी और किसी ने बोला नाश्ता किया तो मिर्च लग रही है। छत्तीसगढ़ के आधे बस्तर में नक्सली राज तमिलनाडु से आता। सलाह बारूद 5 जोनल और 9 एरिया कमेटियां चला रही है जनता ना सरकार। DRG इनका सबसे बड़ा टारगेट। 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बस्तर के करीब आधे हिस्से पर इस समय नक्सलियों का है कब्जा। बस्तर के 7 जिलों में केंद्रीय और राज्य बल के करीब 1,00,000 जवान है तैनात। निगम कमिश्नर का खुद पर एक्शन। स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर की रैंकिंग कम हुई तो अपना वेतन रोकने का दिया निर्देश। कर्मचारियों को दिलाना चाहते हैं जिम्मेदारी का एहसास। रायपुर में हुआ सड़क हादसा। ट्रेलर के पिछले हिस्से से टकराया ट्रक। चेसिस में फंसा कंडक्टर तड़पता रहा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। फूड डिलीवरी के नाम पर फ्रॉड। भतीजे को पिज्जा भेजकर सरप्राइज देना चाहती थी। बिलासपुर की डॉक्टर फ्रॉड। डोमिनोज वाई ने ठगे 1,00,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला डॉक्टर से ठगी का मामला आया सामने। यहां ठगों ने डॉक्टर को करीब 1,00,000 रुपए का लगा दिया चूना। दरअसल डॉक्टर रायगढ़ में रह रहे अपने भतीजे को सरप्राइज देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने उसके लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन ऑनलाइन मिले डिलीवरी बॉय के नंबर से वह ठगी का शिकार हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की लाइव रिपोर्ट। चंगोरा भाटा के गणपति नगर के एक हिस्से में पसरा है सन्नाटा। दूसरे हिस्से में बेपरवाह लोग कह रहे हैं कोनो चिंता की बात नहीं है। 3 गलियों की गई है पाड़बंदी, लेकिन प्रशासन पुलिस का पहरा नहीं प्रतिबंधित। इलाके में आवाजाही की भी शिकायतें सामने आ रही है। भिलाई में जल्दी बंद होगा बाजार। बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए लिंक रोड व्यापारी संघ ने लिया फैसला। अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें। कोरोना की चेन को तोड़ने में मिलेगी मदद। शहर का सबसे बड़ा होलसेल और किराना मार्केट है लिंक रोड कैंप 2। ऑनलाइन हाउसिंग। छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन बुक करा पाएंगे हाउसिंग बोर्ड के मकान। CGHB नाम से मोबाइल ऐप अब जारी। सच हुई भास्कर की भविष्यवाणी। मीनल चौबे को भाजपा ने दी नई जिम्मेदारी। रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाया। 1 साल बाद मिला विपक्ष को लीडर। रायपुर नगर निगम में अब विपक्ष का चेहरा होगी मीनल। गुरुवार को हुई बैठक के बाद शुक्रवार शाम हुई नाम की घोषणा। हर भाजपा पार्षद से एक एक कर मांगा गया था सुझाव। प्रदेश प्रभारी और संगठन के बड़े नेताओं से सहमति लेकर होगी घोषणा। ट्वीट सियासी है। डॉक्टर रमन सिंह बोले सत्ता के लिए कांग्रेस खेल रही है सांप्रदायिकता का खेल। कांग्रेस का जवाब बेगानी शादी में काहे दीवाना बन रहे हो चच्चा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह। कांग्रेस ने असम चुनाव पर किया पलटवार। बेटे और दामाद पर भी कसा तंज। दुष्कर्मियों को सजा। मुखबधिर युवती को अगवा कर किया था गैंगरेप। ADJ कोर्ट ने सुनाई 5 दोषियों को 25-25 साल की सजा। भाजपा ने महिला पार्षदों का मान रख महिला पार्षद को बनाया नेता प्रतिपक्ष। रायपुर महापौर एजाज डेबर ने कहा देर आए दुरुस्त आए। अब 8 बजे तक खुलेगा रजिस्ट्री कार्यालय। रोज होगी 400 रजिस्ट्री। रात 8 बजे तक खुलेगा रजिस्ट्री कार्यालय। रजिस्ट्रियों की संख्या में इजाफा देखते हुए लिया गया यह फैसला। आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि 1 माह आगे बढ़ी। कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लेकर चॉइस सेंटर जाना होगा। निजी अस्पतालों में नाबालिगों को लगा कोरोना वैक्सीन का टीका। CMHO ने कहा होगी कार्रवाई। नाबालिगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर मामला आया सामने। अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। आज जारी होगी नोटिस। कोरोना अपडेट। छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 6.3% पहुंची। 24 घंटे में 2,419 मरीज मिले। 14 की हुई मौतें। कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन में हो रही है 300 से अधिक की वृद्धि। 2,419 मरीज हुए रिपोर्ट, जिनमें सर्वाधिक 913 मरीज दुर्ग जिले में पाए गए।
विधायक ने मांगा बिलासपुर अजमेर ट्रेन। रेल मंत्री ने भेजा आश्वासन, कहा जल्द शुरू करेंगे। विधायक शैलेश पांडेय ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र, बिलासपुर अजमेर बिलासपुर ट्रेन को जल्द शुरू करने की मांग। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क तीखी हो रही है। दिन की तपिश पारा 38 डिग्री पहुंचा। राजधानी समेत प्रदेश में दिन के तापमान में हुई बढ़ोतरी। कुछ जगहों पर तेज हवा चलने से धूप के गुब्बार भी उड़े। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल बिहान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।